हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी जो है स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं, क्विक रिवीजन, जो आपके यूपी पेड एग्जाम या जो भी अन्य यूपीएससी एग्जाम होंगे लास्ट के समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक चलते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, आइएगा देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आइएगा ले लेते हैं यहाँ पे, आइए यहाँ पे पढ़ेंगे योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाएं। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्मक निकाय के रूप में किया गया। ध्यान से सुनिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 और यह कैसी है, गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्मक निकाय है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता जो है प्रदान करेगा। क्या करेगा, गतिशीलता प्रदान करेगा। आइए देख लेते हैं नीति आयोग का प्रारूप कैसा है वो देखते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों पर राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीक परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, अध्यक्ष रहेंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि इस समय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, वैसे भारत के प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष इसके होंगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ और राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसको पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल। पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल एवं राव इंद्रजीत सिंह हैं। अब अगले हम देखते हैं यहाँ पे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। युद्ध विभाजन से उत्पन्न स्थिति से देश को बांधना, संतुलित विकास, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, आर्थिक विषमताओं को न्यून करना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता से जीवन स्तर सुधारना। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, रोजगार वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधार उद्योगों को विस्तार, बेरोजगारी को दूर करना, विषमताओं में कमी लाना। यह योजना स्पष्ट रूप से किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी। यह योजना क्या कह रहा है, स्पष्ट मॉडल पर किसी भी मॉडल पर क्या नहीं थी, आधारित नहीं थी, बल्कि महलनोबिस द्वारा द्वितीय योजना के मॉडल प्रोफेसर सुब्रमण्य चक्रवर्ती के मॉडल से क्या थी, ये प्रभावित थी केवल, ठीक है ना। अगला देखते हैं यहाँ पे योजनावकाश। योजनावकाश 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक के समय को योजनावकाश कहते हैं, प्रथम योजनावकाश। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक, कितना हो गया, 19 मार्च 1974 तक ये पहुंच जाती है, ठीक है। अगले देखते हैं हम यहाँ पे उत्पादन वृद्धि, कीमत स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, रोजगार में वृद्धि। यह मूलतः एस.एस. मन्ने एवं प्रोफेसर अशोक रुद्र द्वारा विकसित सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी। विकास की गाड़गिल रणनीति पर भी आधारित। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक,
एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दिया गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इस योजना का मॉडल आर टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच टू फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया दस्तावेज पर आधारित था। वस्तुतः यह छाछ क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल था। यह योजना आयोग के दृष्टि विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, विकास दर में वृद्धि, निर्धनता में कमी करना, रोजगार बढ़ाना, विषमताओं में कमी लाना, यह छठी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर तथा मानोविज द्वारा प्रदत्त प्रथम दो योजनाओं के दशकों तथा तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवी योजनाओं के आगत निर्गत दृष्टिकोण पर आधारित था। इसे निवेश योजना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, निवेश मॉडल योजना के नाम से जो छठी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, काम, भोजन एवं उत्पादकता, दीर्घकालीन विकास विधि तथा उदारीकरण मॉडल। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, सदी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन, सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पीने का पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचनात्मकता, इन क्षेत्रों का सुदृढ़। आठवीं योजना किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि बदली परिस्थितियों में यह योजना विश्व अर्थव्यवस्थाओं से संदर्भित अनुभवों पर तैयार की गई थी। इस योजना पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का विशेष सुझाव एवं प्रभाव, इसे डब्ल्यू मिलर मॉडल भी कहा जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को डब्ल्यू मिलर मॉडल के नाम से भी जाना जा सकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास आगत निर्गत मॉडल पे थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताएं कम करते हुए समावेशी विकास योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि विकास योजना आयोग की दृष्टि पत्र का आयोग। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पे हम अगला जो थोड़ा देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया, ध्यान सुनिएगा, रूस से अपनाया गया था पंचवर्षीय योजना। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया, जोसेफ स्टालिन। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग। अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी 1978 से 89 में, 1978 से 89 में लागू की गई थी। आगे देखते हैं, फिर भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 12वीं का। नवीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1997 को। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? आठवीं योजना। प्रोफेसर पीसी महलनोबिस का नाम जुड़ा है जो कि योजना थे। चतुर्थ योजना की सही अवधि क्या है? 1969 से 74। आप देख रहे हैं ना, किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो इसी तरह से करिएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था मानसून की अनुकूलता। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि 2007 से 12 थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1950 में हुई थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। संविधानेत्तर संस्था योजना आयोग और नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद मित्रता संबंध है, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से संबंधित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। दसवीं योजना में पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिल्टन द्वारा। पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास
प्रदर्शित किया था। तीसरी में सातवीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1975 में। दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला था? तो छठी योजना में फैला था। किसमें? छठी योजना में फैला था। आइए और थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कुछ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास तेज निजी एवं सार्वजनिक। देखिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात हम यहाँ पे अगर करते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात हम यहाँ पे अगर करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित। जो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित और विकसित। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित। उदारवादी क्या होती है? अहस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व प्रतियोगिता पर बल, मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण, बाजार की शक्तियां केंद्र में निहित होती है। समाजवादी में देखते हैं, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व, बाजार की शक्तियों द्वारा मांग आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण, राज्य की कल्याणकारी भावना। मिश्रित अर्थव्यवस्था संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व, बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित। मिश्रित मूल्य वृद्धि पद्धति निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी। ठीक है, निजी क्षेत्र में एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति, बहुराष्ट्रीय निगम, संयुक्त पूंजी कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, इसमें वस्तुएं एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। रोजगार व श्रमिक क्या होते हैं? इसमें असुरक्षित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था। हरित क्रांति के बारे में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1966 से 67 में की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। नॉर्मन ई बोला विश्व में हरित क्रांति के जनक है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया और प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। द्वितीय हरित क्रांति। भारत में द्वितीय क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्योत्पादन का समाकलन का है करना है। वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया, इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा अनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियां, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध श्वेत क्रांति, दुग्ध पीली क्रांति, तिलहन नीली क्रांति, मत्स्य लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर सुनहरी क्रांति, फलों के उत्पादन से गुलाबी क्रांति, झींगा घोरी आदि ग्रे क्रांति, उर्वरक रजत क्रांति, अंडा मुर्गी पालन ब्लैक क्रांति, खनिज तेल में आत्मनिर्भरता है कोयला क्रांति, खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट गोल्ड क्रांति, आलू ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन हरित सोना क्रांति। क्या हो जाएगा आपका? बांस उत्पादन हो जाएगा। अगला देखते हैं।
भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। गोल क्रांति आलू उत्पादन से भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ईबोला। HVY कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से नॉर्मन अर्नेस्ट बोला, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था गेहूं और चावल के रूप में। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्रांति ने तिलवनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। पीली क्रांति। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ध्यान सुनेगा, श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। प्रथम चरण वर्ष 1970 से 1978, दूसरा चरण वर्ष 1978 से 1985, तीसरा चरण वर्ष 1985 से 1995 तक। दुग्ध व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है करनाल में। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना गुजरात है। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ा, जालंधर एवं ईरोड। आप ऊपर वाला याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो आपका करनाल में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित क्लोन, ये बढ़िया है। समरूपा 6 जनवरी 2009 को जन्मी विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन है जो मात्र 6 से 7 दिन तक ही जीवित रही। गरिमा 6 जून 2009 को जन्मे विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है, यह 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। गरिमा 2 22 अगस्त 2010 को जन्मा भैंस का क्लोन है। महिमा 25 जून 2013 को जन्मे विश्व की दूसरी क्लोन है। गरिमा 2 ने इसे जन्म दिया था। पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2013 को जन्मी क्लोन, यह क्लोन 25 सितंबर 2013 तक ही जीवित रही। लालिमा 2 मई 2014 को जन्मी मुर्रा भैंस की क्लोन है। स्वरूपा 1 अगस्त 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन है। हिसार गौरव 11 दिसंबर 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन है। ऑपरेशन फ्लड कृति का संबंध है दुग्ध आपूर्ति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना शुरू की थी जिसे इस नाम से जाना भी जाता है, श्वेत क्रांति। भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने स्टेप्स में लागू किया गया? 3 चरणों में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दूध की विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग इसके अंतर्गत आती है। डेयरी फार्मिंग में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी कि क्या कर दिया गया? इसका नाम SBI कर दिया गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। प्रथम चरण 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद, केनरा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन लोगों का किया गया। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी द्वितीय स्टेप में 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजया बैंक। बैंकिंग सुधार, सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सुदृढ़ बैंकों की अस्थियों की गुणवत्ता प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। देश के कतिपय बड़े बैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। बैंकों को स्वयं बाजार दरें तय करने की छूट दी जाए। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान को रोक दिया जाए जिससे बैंकों के NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कमी लाई जा सकती है। बैंक में प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो। अलग अलग क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक, सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग बैंक हो। भारत में स्थापित बैंक, ध्यान रखिएगा, भारत में स्थापित बैंक है
बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, सेंट्रल बैंक बड़ा सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सी बैंकें हैं। यहाँ पे इंपीरियल बैंक 1921, बैंक ऑफ मैसूर 1913, भारतीय स्टेट बैंक 1955, आईडीबीआई बैंक 1964, आईसीसीआई बैंक 1994, एचडीएफसी 1994, एक्सिस बैंक 1993। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। इसमें दो प्रकार की बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों में वाणिज्यिक बैंक होती है, जिसमें विदेशी बैंक, सार्वजनिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक में शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? आईसीसीआई बैंक ने। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। वाणिज्यिक बैंकों के एक दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1979 में। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल अग्रिम और निवेश? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? नाबार्ड। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कर परिवर्तन नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? आरबीआई है। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 तक। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो दर उसको कहते हैं। वर्ष 1991 में अगला देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था में आते हैं। देखिएगा बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता। वर्ष 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। कैसी थी स्थिति इनकी? बहुत ही ज्यादा क्या थी इनकी? दयनीय स्थिति थी। ठीक है, 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। विदेशी व्यापार खाते खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा था। 1990-91 में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार लिया था। अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार। सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण, उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को समाप्त करना, आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का निर्यात, अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो, डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का मूल्य, देश के आर्थिक सुधार में सुधार आर्थिक स्थिति में सुधार और संगठनात्मक समायोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर पश्चात कर संरचना में सुधार, सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। अगला देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ। उदारीकरण, निजी का वैश्वीकरण। ठीक है, भारत में उदारीकरण, निजी का वैश्वीकरण एलपीजी के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। भारत में एलपीजी नीति के मुख्य बिंदु विदेशी तकनीक समझौता MRTP 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, निजी का और विनिवेश का प्रारंभ, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति। आर्थिक सुधार देखते हैं यहाँ पे। आर्थिक सुधार प्रथम सुधार 1991 से 2000 तक है।
द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार है आपका राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, व्यापार सुधार, निवेश सुधार। तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार में आता है कर सुधार आता है, ठीक है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। औद्योगिकरण, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991। कब अपनाई गई? 1991। अब हम लोग देख पढ़ेंगे वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कृषि सुधार, राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम, ई नाम। इसके तहत बेहद मूल्य खोज सुनिश्चित करके पारदर्शिता प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कृषि उपज और पशुधन विपणन संबंधन और सरलीकरण 2017, इसमें जो है ई व्यापार, सब ई व्यापार और सब यार्ड के रूप में गोदामों, शीत भंडार की घोषणा, मंडी शुल्क, कमीशन प्रभार को तर्क संगत बनाना तथा कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधार शामिल हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे पीएम आशा योजना। पीएम आशा योजना सरकार के किसान अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में एक समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संचय आरंभ अभियान आरंभ किया। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019, 2006 से 2007 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन एनबीएम, 2014-15 में समेकित बागवानी विकास मिशन एमआईडीएच के तहत लाया गया, 2015-16 तक जारी रहा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16, राष्ट्रीय कृषि वानिकी पॉलिसी, फार्म जल प्रबंधन सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि निगरानी मॉडलिंग और नेटवर्किंग CCSAMMN, इसके तहत जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार में पहल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से उर्वरक क्षेत्र में सुधार, जनवरी 2016 में पीएम फसल बीमा योजना शुरू, 2017 तक इससे 2.81 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा, सारंगी समिति 2016 की सस्ते कर्ज पर सिफारिशें सरकार द्वारा लागू की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको कहते हैं, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपजों के मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के रूप में कृषि उत्पादकों को प्रदान किया गया। भारत सरकार की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों की बुआई सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1965 में लागू किया गया था एवं इसकी शुरुआत 1966-67 में की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ फसलों के लिए की जाती है। ध्यान रखिएगा MSP की जो है MSP जो लागू करता है कौन? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग करता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में CACP द्वारा कुल 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है। इनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। महत्वपूर्ण था वर्ष 1950-51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5% भाग कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में संलग्न था, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इस क्षेत्र में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 54.6% भाग संलग्न है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान जो है 1942-43 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1942-43 में प्रारंभ किया गया था अधिक अन्न उपजाओ अभियान। आगे देखते हैं यहाँ पे सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत के GDP में कृषि और संबंधित क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? 18.8%। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य था उत्तराखंड था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 में हुई थी। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ? अप्रैल 2014 से। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए
एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को कहा जाता है एग्री उड़ान। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया। सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए यानी कि 2-2 हजार की तिमाही किस्तें आएंगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? 2014-15 में। भारत में ई नाम ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था 2016 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। कल्याण योजना का उद्देश्य है गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, तिलहन नहीं है। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन मूल्य कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नेफेड है। ढांचागत सुधार स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आधारभूत संरचना में सामाजिक आधार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आवास शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाएं। आर्थिक आधारभूत में ऊर्जा परिवहन सड़क पत्तन एयरपोर्ट रेलवे धन आपूर्ति बैंक एवं वित्तीय सेवाएं आपकी क्या होती हैं शामिल होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि 2014 से 2019 के बीच जीडीपी में 60.5% की दर से वृद्धि हुई जो 2009 से 2014 के बीच 6.7 की दर से बढ़ रही थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार 2014 के बाद भी सरकार में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.35% की गिरावट आई है। सरकार ने इसके लिए नए सुधार को रेखांकित किया है क्योंकि जीडीपी पर इसका सीधा असर पड़ा है। एयरलाइन 2014 के पहले 9.20% दर से यात्रियों की वृद्धि दर थी, वह 2014 के बाद 15.28% की दर से वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह 2014 के बाद इस क्षेत्र में सफलता मिली जहाँ 16.85% की दर से बढ़ा है। महंगाई में 2014 के बाद काफी सुधार हुआ है। खुदरा महंगाई दर 2014 में 60.60% थी जहां दर 2.57 रह गई है। आवास एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से प्रभाव में आया। 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया जो तेजी से पूरा होने को। स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार के अंतर्गत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2019-20 तक जारी करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2019 से शुरू हुई, इससे 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। वाह, नई शिक्षा नीति में कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप से दिया है? 3 से 18 साल तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। श्रम सुधार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019। लाभार्थी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक पेंशन राशि 3,000 रुपये प्रतिमाह। जमा की जाने वाली राशि 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह। उम्र मिनिमम 18 वर्ष से 40 वर्ष। श्रम विधेयक लेबर कोड बिल 2020 क्या आया था? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इन 3 बिलों के पास होने के बाद नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आर्थिक सुधार भारत को सामाजिक सुरक्षा नीतियों में सुधार लाकर समावेशी विकास में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में 10% की औसत वार्षिक दर से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हुई है। आर्थिक सुधार के लिए 2014 के बाद से सरकार ने कई आर्थिक नीतियां 2014 में एक, 2015 में एक, 2017 में एक, 2016 में 6 आर्थिक नीतियां घोषित की। प्रधानमंत्री जनधन योजना मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम, इस कानून से वाणिज्यिक मध्यस्थता में सुधार किया गया। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति, इसके तहत ऊर्जा क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र में गतिरोध को कम करने का प्रयास किया गया। बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 2016 से प्रभावी। अधिकारियों सके बेनामी संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने तथा जब्त करने का अधिकार दिया गया। विमुद्रीकरण नोटबंदी 8 नवंबर 2016, इसके तहत 500 और 1,000 रुपए के करेंसी की वैधता समाप्त हुई।
तत्कालीन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 2009 से 2014 के बीच जीडीपी की वृद्धि दर है 6.7%, वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर है 16.85%, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संबंधित मूल्य पर लागू होगा। केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी एसजीएसटी जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। समेकित जीएसटी आईजीएसटी बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की कूद पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने लगा है। जीएसटी की 4 स्लैब दर है 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी का 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। केंद्रीय स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं कर। राज्य स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है, राज्य मूल्य व संबंधित कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाने वाला कर से अलग कर। आगे देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय बिक्री कर, बिक्री द्वारा केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला और राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। ध्यान रखिएगा केंद्रीय बिक्री का जो है केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा वसूला जाता है। चुंगी व प्रवेश शुल्क, क्रय कर, विलासिता पर कर, सट्टेबाजी, लॉटरी व जुआ, धूल कीड़ा पर कर, अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट इंधन, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया है और इसे 0% कर दिया है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के निरीक्षक संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित वित्त या कर के निरीक्षक मंत्री या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। परिषद में किए गए मतदान के 3/4 बहुमत द्वारा जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं। कुल मत का 1/3 केंद्र व 2/3 राज्यों द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही क्यों ना हो। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें परिषद द्वारा की जाती है, जैसे कि जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर, शेष व अधिभार, जीएसटी में शामिल वस्तु व सेवाएं इत्यादि। संविधान संशोधन, जीएसटी को लागू करने किया गया 121वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया है। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? असम। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने घटकों में विभाजित किया गया? 3। भारत में वर्तमान वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है 28%। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 101वें वस्तु एवं सेवा कर है अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर को जमा किया जाता है केंद्र सरकार के खाते में। राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी कहा जाता है। केंद्र द्वारा लगाए गए करों को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी कहते हैं। जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए मदिरा, पेट्रोलियम उत्पाद कर, ठीक है ध्यान रखिएगा। अगला करते हैं यहाँ पे, देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाओं को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014, फास्टैग 31 अक्टूबर 2014, जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 31 दिसंबर 2014, नीति आयोग 1 जनवरी 2015, हृदय समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प 21 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे देखते हैं यहाँ पे, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017, उड़ान 27 अप्रैल 2017, संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित 3 मई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017, मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017, जिज्ञासा 6 जुलाई 2017, शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना 25 दिसंबर
2017 गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 में हुआ था। और आगे देखते हैं, यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015, सागर माला परियोजना 25 मार्च 2015, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015, उजाला 1 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री ये उज्ज्वला योजना है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015, कायाकल्प जन स्वास्थ्य 15 मई 2015, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 25 जून 2015, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन अगस्त 2015, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015, उदय उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 फरवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, ठीक वो उजाला योजना 1 मई 2016, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ उजाला योजना है ये 1 मई 2016, और उज्ज्वला योजना जो शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से, ठीक है। गोल गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना है ये। आगे देख लेते हैं थोड़ा और कुछ योजनाएं यहाँ पे, बहुत योजनाएं मोदी जी ने लॉन्च कर दी हैं। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र एवं गोरापुर उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना 16 अक्टूबर 2017, भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017, एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार 1 नवंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट चरण 2 योजना 13 नवंबर 2017, सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018, मन धन योजना 14 अप्रैल 2018, सेवा भोज योजना 1 जून 2018, पीएम आशा 12 सितंबर 2018, आयुष्मान भारत जन प्रायोजक जन आरोग्य योजना, प्रायोजकों ने जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018, पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018, पीएम श्रम योगी मानधन योजना से 1 फरवरी 2019, पीएम किसान मानधन योजना 30 मई 2019, पीएम कर्म योगी मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ 30 मई 2019, सोमन स्वच्छित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020, ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020, धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020, किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020, कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020, विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020, टीवी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020, 12 मई 2020 भैया हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, गोल गोइंग गोल यानी गोइंग ऑनलाइन इज लीडर, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की 15 मई 2020, सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है, इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये था, अधिकतम 1,50,000 रुपये होगा, इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान्य होगा, कितना 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान्य होगा। तो इसी के साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से वो टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।